विलन्स की सूची में एक और खूंखार नाम शामिल हो गया है। इस चेहरे का नाम है आतिश, जो टाइगर 3 में खलनायक की भूमिका पहन आग लगा रहा है। सलमान की बराबरी के विलन इमरान हाशमी ने बॉक्स ऑफिस पर मानो कहर ला दिया है। उन्होंने दुश्मनी की पूरी डेफिनेशन को ही बदल डाला है। पुराने तो पुराने, इमरान के आगे तो सारे नए बदमाश तक फेल हो गए हैं। लेकिन इमरान हाशमी को टाइगर 3 में विलन की भूमिका कैसे मिली? इस रोल को इमरान को कैसे, कब और कहां ऑफर किया गया? और जब ये किरदार इमरान के पास पहुंचा तो उनका रिएक्शन कैसा था? वहां से बॉक्स ऑफिस तक का सफर आतिश ने कैसे निकाला? इन सभी बातों का खुलासा इमरान हाशमी ने कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में इमरान हाशमी ने अपने किरदार के बारे में चुप्पी तोड़ी है और कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल इस फिल्म के जरिए इमरान हाशमी ने अपने करियर की सबसे अलग भूमिकाओं में से एक भूमिका निभाई है, जो उनके लिए भी काफी खास रही है। सभी से मिलती तारीफों और फिल्म के जरिए की जा रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बीच अब इमरान हाशमी अपने इस किरदार पर रिएक्ट करते नजर आए। न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में इमरान हाशमी ने अपने किरदार के बारे में खुलकर बात करते हुए बताया कि वो क्या चीज थी जिसने उन्हें इस किरदार के लिए हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। इमरान ने ANI को बताया कि लॉकडाउन के बाद मुझे कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा का फोन आया और उन्होंने मुझसे बोला, क्या आप मनीष शर्मा के साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे? मैं वहां पहुंचा तो मनीष ने मुझे बताया कि वो टाइगर 3 में खलनायक की भूमिका के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। इमरान ने कहा कि शुरू में उनके लिए इस भूमिका को एक्सेप्ट करना आसान नहीं था, क्योंकि एक खलनायक को लेकर सभी के दिलो दिमाग में पहले से ही धारणा होती है। इमरान बोले, शुरुआत में मुझे डाउट था, क्योंकि जब आप खलनायक के बारे में सुनते हैं तो एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे किरदार में गहराई दिखी और इसमें कई शेड्स हैं जो मुझे पसंद आए, इसलिए मैंने फिल्म के लिए हाँ कहा। बता दें कि इस किरदार को लेकर इमरान हाशमी के मन में एक शंका सलमान खान की वजह से भी थी, क्योंकि सलमान खान एक बहुत बड़े एक्टर हैं और टाइगर एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, और उनके सामने उतरना मतलब उनकी तरह बनकर उतरना, जिस पर इमरान ने अपनी जी जान लगा दी और खूब मेहनत की, जिसके बाद आखिर में रिजल्ट क्या आया है ये आप सभी के सामने है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।